पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीटिंग की। बता दें कि मीटिंग में ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर मेयर कुलभूषण, डीसी महावीर कौशिक, कमिश्नर नगर निगम सूरा, एसीपी सुरेंद्र यादव और कई अफसर डिपार्टमेंट के मौजूद रहे, जिनमें विकास कार्य को लेकर चर्चा और रुके हुए कार्यों की गति दी जाएगी। जो मीटिंग है ये हमारी हर महीने जो डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं उनकी रिव्यू मीटिंग होती है, और आज जो पंचकुला में सभी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनको हमने रिव्यू किया है। लगभग सभी प्रोजेक्ट्स सेटिस्फैक्ट्री चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर देरी हुई है, उसका हमने संज्ञान लिया और कहा है कि ऑन टाइम जो हैं वो सारे प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि पंचकुला के अंदर विकास की दृष्टि से लगभग 300-400 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। उनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। तो आज की रिव्यू मीटिंग के अंदर हमने यही किया है कि जो जो भी कोई लेट है प्रोजेक्ट्स उनको जल्दी से पूरा किया जाए। सर, कोई प्रोजेक्ट में ऐसा भी काम है कि जैसे जो अपना माजरी चौक से बरवाला की तरफ हम जाते हैं उस रोड पे बंदरघाटी की तरफ जो बिल्कुल ही अंधेरा है सर, वहाँ पर क्या कुछ लाइट का प्रोजेक्ट भी ऐसा डाला हुआ? नहीं, देखिए उसके अंदर ऐसा कोई प्रपोजल अभी तक नगर निगम की तरफ से नहीं आई है, लेकिन आपने बताया, नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर जो डार्क एरिया है उसके अंदर हम इल्यूमिनेशन या लाइट कर सकते हैं। सर, कुछ नए विकास भी शुरू होंगे? बिल्कुल, नए विकास, बहुत नए विकास के काम चल रहे हैं यहाँ पर। जो हमारे जल्दी ही 6 तारीख को जो हमारा ये हैबिटेट सेंटर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम शुरू हो चुका है। 6 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। उसके अलावा जो सेक्टर 19 का जो हमारा ब्रिज है ROV, वो बन करके तैयार है। कटौली के अंदर टांगरी ब्रिज बन करके तैयार है, उसका भी हम जल्दी इनॉग्रेशन करेंगे। आज जो नगर निगम की बिल्डिंग बन रही है उसको भी डिस्कस हुआ है कि उसको भी जल्दी से पूरा किया जाए। जो HL ब्रिज बन रहा है घग्गर के ऊपर, उसके ऊपर भी काम जल्दी हो। जो बताया गया कि जो डिफ़िकल्टी थी, चाहे वो पंजाब की तरफ से थी या पेड़ों की कटाई को लेकर के थी, वो सब डिफ़िकल्टीज दूर हो रही हैं। और अब स्मूथली अब जो है वो HL ब्रिज जो है लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ROV जो 19 वाला है वो भी तैयार है। मैं समझता हूँ कि पंचकुला के अंदर जितने भी हमने विकास की कार्य किए हैं उनको जल्दी पूरा कराएंगे, और नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सर, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं पंचकुला के अंदर शुरू जरूर हुए लेकिन वो ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे एक तो सर जो अपना दीवारों पर पेंटिंग का काम था भाई, वो भी चला और खत्म भी हो गया सर? नहीं, खत्म हो गया, जहाँ जहाँ हमने करवानी थी वहाँ करवा ली। और दूसरा सर ये कि जो अपना क्यू शेल्टर बने थे, क्यू शेल्टर की कुछ की हालत तो इतनी खस्ता होगी कि वो अब तक उसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया है जी। जल्दी ही वो सारे बस क्यू शेल्टर जहाँ जहाँ पर भी रिपेयर का काम है वो रिपेयर का काम भी होगा, और जल्दी ही वो बस क्यू शेल्टर आपको अच्छे नजर आएंगे। सर, एक कुछ स्लम एरिया के 2 कॉलोनियों के बारे में सुना था कि उनको छोटे प्लाट दिए जा रहे हैं, वो उनका प्रोजेक्ट कहाँ तक? नहीं देखिए, वो हमने यहाँ से नगर निगम ने पास करके भेज दिया है और वो हेड ऑफिस के अंदर है। मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी अप्रूवल मिल जाएगी और उसके बाद जो हम ये लेबर कॉलोनी जो झुग्गी झोपड़ी है इनको हम जल्दी ही रिहैबिलिटेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। हरियाणा आज के लिए पंचकुला से सुरेंद्र की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि हर खबर पहुंचे आप तक
सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें, जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।